आज असली पेस की कॉपी मार्केट में बहुत आ रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो आप यहाँ तक कि लोग लोगो भी बना रहे हैं उसमें भी कॉपी, फोल्डर बना रहे हैं उसमें भी कॉपी, डब्बे का डिजाइन बना रहे हैं उसमें भी कॉपी। भैया तो मान ले भाई हम हिट हो गए, है ना। कॉपी किसकी होती है? जिसमें कुछ होता है, जिसमें कुछ होता है, ओरिजिनल है हम। देखिए कॉपी करने वालों को मैं सलाह दूंगा कि आप अपने खुद के आइडियाज लाएं, ऐसे आप बड़े नहीं बन पाएंगे, आप लोगों का फ्यूचर खराब कर लेंगे, लोगों की जिंदगियां खराब कर देंगे। आप वही खेल खेलेंगे जो आज तक 20 साल से लोग खेलते रहे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम होती रही, क्योंकि आप लोगों ने भागना ही भागना है अपने तो दो, क्योंकि हमारी कॉपी हो नहीं सकती महिपाल जी। पहली बात, हमारी कॉपी करने के लिए चार चार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ, हमारी कॉपी करने के लिए हमारी प्रोसेसिंग लाओ, हमारी कॉपी करने के लिए हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी लाओ, वो क्वालिटी दो जो हम देते हैं, देके दिखाए कोई ट्रेड सीक्रेट हमारे पास है ना, हम कैसे प्रोडक्ट बनाते, फॉर्मूले हमारे पास है ना। पेप्सी को कोई कॉपी कर पाया आज तक? आज तक नहीं कर पाया। एप्पल को कर पाया कोई आज तक? नहीं। बड़े बड़े बिरले बैठे हैं, क्यों फिर भी लोग एप्पल के दीवाने हैं? अगर पीछे सेब कटा हुआ मोबाइल पे चिपकाने से हर आदमी एप्पल बन जाता तो फिर तो सभी साले एप्पल बन जाते। एप्पल की शक्ल के कुछ मोबाइल आए थे तो शायद बंद भी हो गए, है ना। तो एप्पल नहीं बन सकते ना, तो आप असली पेस तो बन ही नहीं सकते ना, तो आप कितनी मर्जी कॉपी कर लो। अच्छा कॉपी करने से होता क्या है कि जो बेचारी, वही मैंने कहा ना, वो बच्चा जो पहली बार सेमिनार देखा है, नया नया आया है, वो नहीं ना समझ होता है, उसको दिखाओ दे कैसे प्लान है, जैसा असली पेस कैसे प्रोडक्ट है, वो बेचारा बेवकूफ बन के घुस जाता है। ट्रेड सीक्रेट हमारे पास है, ठीक है। अब हमारा प्लान कॉपी कर लिया भाई, मैथमेटिकली कैलकुलेशन लाओ। अब कॉपी करना आसान है, देना मुश्किल है ना। अरे तुम लिख दोगे, लिखना आसान है पर देने में हाथ कांपते हैं। वो मैं कहता हूं ना, जिगर नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए। तो भाई क्या तुम इस कैपेबल हो इतना पैसा दे सकते हो जितना लिखते हो? बस कॉपी एसलीपीएस का वो छाप दिया फोल्डर, और अच्छा कई कंपनी तो ऐसी 19वां लेवल 20वां लेवल। अरे भाई पहले 10-20 लेवल दे तो। और दूसरी बात है, इनका आश्रय भी बुरा होने वाला है। अच्छा मैं बता रहा हूं, ऐसी कंपनी का कोई मालिक सुन रहा हो तो ध्यान से सुन। अभी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में रूल्स आ, उन रूल्स के अंदर मैथमेटिकली कैलकुलेशन चाहिए प्लान में, उन रूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही जो तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे ना, तुम कभी कर सकते, सही है। इसके लिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। और अच्छी बात बताता हूं तुम लोगों को मेरे बच्चों, रूल्स के अंदर मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, 10 करोड़ की सिक्योरिटी डलवा रहा हूं कि जो भी नई एमएलएम कंपनी चल रही है उन सबको 10-10 करोड़ देने पड़ेंगे। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, 10-5 तो डलवा दूंगा, तो उतना जुगाड़ रखना, तब जाके चला पाओगे, लोगों की जिंदगी बर्बाद मत करो। मतलब लोगों के लिए आप डर पैदा कर रहे हो। अरे सर मैं सच बता रहा हूँ, रूल्स बन रहे हैं, उनमें सिक्योरिटी लग रही है, वो सिक्योरिटी इसलिए ले रही है गवर्नमेंट में बात भविष्य है। सर आप ये समझो, कोई उल्लर पुल्लर आया कंपनी खोल के बैठ गया, दो कमरे के एक जगह ली, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक प्रोडक्ट वाले से बात करी, कंपनी खोल के बैठ गया। अरे कंपनी है, भविष्य है भाई, लोग अपनी बीबीए एमबीए एलएलबी छोड़ के तुम्हारे साथ जिंदगी लगाते हैं यार, उनकी जिंदगी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो भारत सरकार भी ये रूल बना रही है कि जो भी कंपनी आएगी उसको बड़ा अमाउंट सिक्योरिटी देगी तो ही चला पाएगी, नहीं तो नहीं चला पाएगी। और एक संजीव कुमार इसका समर्थन में खड़ा है, कुछ लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं इसके समर्थन में हूं। अंदर की बात, अंदर की बात सब सुन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।